हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं सोशलाइजेशन की थ्योरी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी, यूरी ब्रोफेन बर्नर की थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, ये थ्योरी में बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है कि इस थ्योरी में क्या है। ये थ्योरी बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगती है बच्चों को, तो आज हम इस थ्योरी को समझेंगे एकदम आसान भाषा में बिल्कुल इसको। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं पहले पॉजिटिविटी के साथ। सबसे पहले पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी के साथ शुरू करेंगे इसको। बिल्कुल, ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को यदि अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए आप लोगों को स्ट्रगल करना होगा। स्ट्रगल करने के साथ साथ अब लेकिन वह स्ट्रगल कितना टफ होगा, कितना इजी, इसके लिए आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप कितने आसानी से उन चीज़ों को फेस करते हैं। बिल्कुल, तो आज की थ्योरी को शुरू करते हैं। चलिए, टॉपिक क्या है? यूरी ब्रोफेन बर्नर थ्योरी। बिल्कुल, इस थ्योरी का सामाजिकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह थ्योरी आप लोगों को समझाएगी कैसे सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में जो आस पड़ोस का एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट पार्टिसिपेट करता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। चलिए सबसे पहले समझते हैं सामाजिकीकरण क्या है, व्हाट इज सोशलाइजेशन। देखिए, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल, समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया। मानदंडों, मानदंडों का मतलब यह है, नॉर्म्स को बोला जाता है मानदंड, ठीक है ना। नॉर्म्स और मानदंडों का मतलब यह है कि जो समाज में बनाए हुए नियम कायदे हैं, बिल्कुल, जो एक मानक स्तर, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उनको अपने अंदर समाना, ठीक है ना, उनको अपने अंदर समाहित करना और जो समाज की जो विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज चली आ रही हैं, उनको अपने अंदर कैसे समाहित किया जाए, यह प्रोसेस कहलाती है सामाजिकीकरण। अब बच्चों, ये पढ़ना ज़रूरी क्यों हो जाता है? जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के समय उसे पता नहीं होता है क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, समाज के अनुसार, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है ना, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, किस व्यक्ति से कैसे पेश आना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें उसे कहाँ से सीखने को मिलती हैं? समाज से सीखने को मिलती हैं। जन्म के बाद वह ये सारी चीज़ें सीखता है। तो समझ में आ गया होगा कि सामाजिकीकरण क्या है। सामाजिकीकरण यह है कि जन्म के बाद जब बच्चा अपने आस पड़ोस के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है तो उसमें घुलने मिलने के लिए उनके समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं, उनको वह अपने अंदर समाहित करता है, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कितने टाइप का होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाता है जो इनिशियल ईयर, जीवन के प्रारंभिक काल के, किसी के जीवन के प्रारंभिक वर्ष, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो इंटरेक्शन होता है, जो चीज़ें वह सीखता है, वह कहलाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। बिल्कुल, फिर आ जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या आ जाता है? जो चीज़ें उन्होंने प्राइमरी, बच्चे ने प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत सीखी हुई थी, उनको वह आगे चल करके कैसे प्रयोग करता है, वह आगे चल करके उनको छोटे रूप से लेकर के वह बड़े रूप में कैसे प्रयोग करता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत। जी तो देख लेते हैं क्या होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, क्या होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन जब इनिशियल ईयर में होता है तो इसके अंतर्गत उसको क्या मिलता है बच्चों? आधार मिलता है सामाजिकीकरण का, उसे आधार प्रदान किया जाता है। आधार प्रदान करने से फिर जो आधार उसे यहाँ पर मिला होता है, वह इन चीज़ों को वह अपने पूरे जीवन प्रयोग करता है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों को मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। कोई एक बच्चा है, कोई बच्चा यदि अपनी लाइफ में बचपन में उसके फैमिली वाले उसे सिखा देते हैं कि किसी भी अननोन व्यक्ति से खाना नहीं लेना है, खाने का सामान नहीं लेना है, किसी भी अननोन व्यक्ति से कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेना है, कुछ भी देव तो नहीं लेना है, यह उसको आधार मिल गया कि भाई अननोन व्यक्ति से हमें नहीं लेना है। अब वह जीवन में जब स्कूल वगैरह जाता है या किसी स्टेशन वगैरह पर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाता है, तो इन वैल्यूज़ को भले ही वह फॉलो करे या ना रहे करे, लेकिन उसको वह हमेशा याद रहेगा कि नहीं, अननोन व्यक्ति से खाना नहीं लेना है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ,
जैसे कि कोई छोटा बच्चा था। उसको जैसे ही जन्म हुआ था तो बचपन में उसके फैमिली वाले जो लोग थे, जब मैं 1-2 साल का हुआ तो उसको मोटिवेट करते थे कि बच्चे गाना सुनाओ, बच्चे ये करके दिखाओ, बच्चे वो करके दिखाओ, मतलब उसको स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने की प्रोत्साहन देते थे, ठीक है ना। तो इससे उसको पब्लिक स्पीकिंग की थोड़ी सी हैबिट हो गई। अब जैसे ही वह बड़ा हुआ, तो स्कूल वगैरह में जा कर के, कॉलेजेस वगैरह में जा कर के, वह जैसे ही बड़ा हुआ तो उसको स्टेज पर बोलने का मौका दिया गया तो उसका स्टेज फियर कम रहा। क्यों? क्योंकि उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो आधार था वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जो प्राइमरी सोशलाइजेशन का आधार था उससे मदद मिली। बिल्कुल। अब आ जाते हैं थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत यूरी ब्रोफेन ब्रेनर की थ्योरी। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर की थ्योरी जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। इंग्लिश में हो जाता है यूरी ब्रोफेन ब्रेनर, ठीक है ना, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर, और हिंदी में हो जाता है यूरी ब्रोफेन ब्रेनर, ठीक है ना। तो ये थ्योरी क्या कहती है, देखो यूरी ब्रोफेन ब्रेनर थ्योरी जो है वह इकोलॉजिकल सिस्टम की थ्योरी है, ठीक है ना। यह बताती है कि जो बच्चे के आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से वह कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, कैसे सीख रहा है। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर की पारिस्थितिक प्रणाली का सिद्धांत, यह थ्योरी एक बच्चे और उसके पर्यावरण के बीच, एक बच्चा और उसके पर्यावरण के बीच हो रहे बदलावों के बारे में बताती है कि वह पर्यावरण से कैसे सीखता है, कैसे इंटरेक्शन करके वह पर्यावरण उसको प्रभावित करता है सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में। बिल्कुल, ठीक है ना। ये परिवर्तन उसे प्रभावित करते हैं और वह बड़ा होता जाता है जैसे, और पूर्ण विकसित इंसान के रूप में जैसे ही वह विकसित होता है तो कैसे ये प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, यूरी ब्रोफेन ब्रेनर की थ्योरी क्या बताती है अपन लोगों को, उसके एनवायरनमेंट और बच्चे के बीच में जो इंटर रिलेशन है, को रिलेशन है, उसके आधार पर उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ही वह डेवलप करता है उसमें फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग बनने में उसमें क्या प्रभाव आते हैं। चलिए इसके सिस्टम को समझ लेते हैं और इस थ्योरी क्या कहती है, ठीक है ना। चलिए, इस थ्योरी के अंतर्गत कितने मॉडल्स हैं, 5 मॉडल्स हैं। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, जो सबसे पहला, जैसे ये इंडिविजुअल हो जाता है तो वह खुद व्यक्ति विशेष हो जाता है। फिर आ जाता है इसका माइक्रो सिस्टम, जब कोई व्यक्ति जिस सिस्टम से वह खुद डायरेक्ट, ठीक है ना, वह स्वयं, ठीक है ना, वह स्वयं उस सिस्टम से इंटरेक्ट करे, उस सिस्टम में पार्टिसिपेट करे, तो वो सिस्टम कहलाता है बच्चों माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत हम समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे ही बच्चा जो होता है वह सबसे पहले कहाँ से इंटरेक्शन करता है, अपने माता पिता से, कहाँ पर, होम में, स्कूल में। जैसे ही वह स्कूल जाना स्टार्ट करता है, स्कूल में, उसके आस पड़ोस का वातावरण, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वह माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। माइक्रो सिस्टम जो होता है वह सबसे कैसा होता है, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इमीडिएट, ठीक है ना, एनवायरनमेंट, ये सबसे छोटा और सबसे जल्दी मिलने वाला, सबसे प्रारंभिक, यह प्रारंभिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना, प्रारंभ, ठीक है ना, यह प्रारंभ में मिलने वाला जो एनवायरनमेंट होता है उसको कहा जाता है माइक्रो सिस्टम। बिल्कुल, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, स्कूल आ जाता है, होम आ जाता है, ठीक है ना, और इस माइक्रो सिस्टम में बच्चा रहता है और इंटरेक्ट करता है डेली बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर, ठीक है ना, डे टू डे बेसिस पर वह इंटरेक्ट करता है, और उसके इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, फैमिली, पर्सनल रिलेशन, ठीक है ना, और फ्रेंड्स एंड क्लासमेट वगैरह, ठीक है ना। ये तो हो गई बात माइक्रो सिस्टम की, ठीक है। अब देखिए, माइक्रो सिस्टम के बाद जो होता है, माइक्रो सिस्टम जो होता है बच्चे की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बच्चे की सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में यह सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। फिर आ जाते हैं मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम क्या होता है, मेसो सिस्टम के अंतर्गत माइक्रो सिस्टम के ही घटक होते हैं जो इनडायरेक्टली उसे इन्फ्लुएंस करें। मेसो सिस्टम के अंतर्गत क्या आते हैं, माइक्रो सिस्टम के वे घटक जो उसे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करें। जैसे कि मैं आपको इसका एक डेली लाइफ एग्जाम्पल बता सकता हूँ। जैसे वह घर में रहता था लेकिन घर में उसके माता पिता जो थे, ठीक है ना, माता पिता उसके दादा दादी को इज्जत से बात करते थे और सम्मान के लिए उनके पैर छूते थे और आप करके बात करते थे, मतलब अच्छे से आदर पूर्वक सम्मान देते थे,
तो इससे जो माता पिता का दादा दादी के प्रति जो व्यवहार था ना, वह देख करके वह प्रभावित हुआ और उसे भी सीख मिली कि उसे भी अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करना है। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें वह स्वयं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हुआ, लेकिन वह इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करने पर ठीक है ना इन्वॉल्व हो गया। इसका दूसरा डेली लाइफ एग्जांपल बता देता हूँ कि स्कूल गया था, स्कूल में जाने पर उसने देखा कि उसके जो सीनियर स्टूडेंट्स थे वह एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए, तो उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने पर उनको पुरस्कार दिया गया, तो इससे भी वह इन्फ्लुएंस हुआ कि उसे भी एग्ज़ाम में अच्छा करना है। ठीक है ना। फिर इसके अंतर्गत आ जाता है एग्जोसिस्टम। एग्जोसिस्टम ऐसा होता है, एग्जोसिस्टम जो होता है वह डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, इसके अंतर्गत पेरेंट्स वर्कप्लेस आ जाता है। ठीक है ना। मास मीडिया आ जाता है, जैसे टीवी रेडियो हो गया, टीवी रेडियो ठीक है ना, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वह एग्जोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब ये चीज़ें बच्चे की सोशलाइजेशन प्रोसेस को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, देखो बच्चों, जैसे कि वह देखा कि वह किसी बच्चे के पेरेंट की दुकान थी, शॉप थी, और उसके पिताजी अपने नौकरों से, दुकान पर जो वर्कर्स थे उनसे जैसे बात कर रहे थे उसी तरह से उसका भी व्यवहार डेवलप हुआ। इसमें उसने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वह उससे इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है ना। चिल्ड्रंस स्कूल, बच्चे का जो स्कूल होता है वह उसको प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत फिर कम्युनिटी सर्विस भी आती है। कम्युनिटी सर्विस का मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, कैसे कोई व्यक्ति था, वह अपनी ऑफिस वगैरह की जॉब वगैरह से परेशान था। ठीक है, ऑफिस वगैरह जॉब वगैरह से परेशान था, लेकिन वह घर पर जा कर के देखता है, ठीक है ना, घर पर जा कर के देखता है कि मेडिटेशन का कैसे किया जाए, मेडिटेशन करने के क्या क्या लाभ हैं। भाई उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, भाई टीवी पर देख रहा था मेडिटेशन कैसे हो रहा था, ठीक है ना, रामदेव बाबा का प्रोग्राम, लेकिन उससे उसको लगा कि यह हमें भी हेल्प कर सकता है, तो उसने भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो ये एग्जोसिस्टम के अंतर्गत आ गया कि उससे उसको क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि आप बच्चे थे, आप स्कूल से घर जा रहे थे, आपने रास्ते में देखा कि कोई व्यक्ति गरीब बच्चों को खाना खिला रहा है, तो आपने केवल देखा लेकिन आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे ही आप घर पहुँचे, आपको लगा कि हमें भी ये करना चाहिए, इससे खुशी मिलती है, तो इससे जो प्रभाव पड़ा वो सारी चीज़ें आ जाती हैं एग्जोसिस्टम के अंतर्गत। चलिए बच्चों, आप लोगों ने चार सिस्टम समझ लिए। माइक्रो सिस्टम, जिसमें वह डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है डे टू डे बेसिस पर। मेसो सिस्टम में माइक्रो सिस्टम के ही वे घटक आते हैं, लेकिन उसमें वह एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं वो सारे घटक जो उसे इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और इसके अंतर्गत उसकी पैटर्न भी आ जाते हैं, चिल्ड्रंस के पैटर्न भी आ जाते हैं, वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। और फिर मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आ जाती हैं ठीक है ना, मैसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम के बाद आ जाती हैं कल्चरल वैल्यू, बिलीव्स, कस्टम्स एंड लॉस। चलिए इन लोगों को मैक्रो सिस्टम में आपको बताता हूँ कैसे सबसे कम इन्फ्लुएंस करता है। देखो इसमें क्या आ जाता है, कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स एंड लॉज, ठीक है ना। इसमें पास्ट के इवेंट्स भी इफ़ेक्ट करते हैं। पास्ट के इवेंट्स भी कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों को, जो बच्चे हैं आप लोग, आज के बच्चों को देखिए, आज के बच्चे जो 10 से लेके 12 साल की उम्र के हैं, उनका जन्म 2000 के बाद हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन आज भी यदि वह इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, तो उनमें जो नेशनल स्प्रिट होती है वह आज भी उतनी ही होती है जितना कि एक हम में होती है या उस टाइम के 90s के बच्चों में होती है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो इसका रीज़न देख लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पास्ट हिस्ट्री में वॉर हुई थी, ठीक है ना, एक हिस्ट्री जो है वो हमारी कंपटीटर के रूप में रही है, तो इस वजह से उसमें जो पास्ट इवेंट्स की वजह से उसके मन में भी एक छवि बन गई है कि उसको इंडिया का और पाकिस्तान का जो मैच है उसमें इंडिया को जिताना ही है और इंडिया को दिल से सपोर्ट करना ही है। तो ना तो उसने वॉर में पार्टिसिपेट किया है, ना उन इवेंट्स की वजह से उसको कोई इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन पास्ट इवेंट्स की वजह से उसके मन में नेशनैलिटी की जो भावना आई वह आती है किसके अंतर्गत, मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत। बिल्कुल। फिर आ जाता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम एक बहुत ब्रज सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत, जैसे कि किसी भी देश स्थान वगैरह की जो कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे ही आप सिग्नल तोड़ेंगे आप पे फाइन लगेगा, और यदि आप किसी गांव में चले जाएं वहां पर ट्रैफिक सिग्नल
अगर लाल है और कोई खड़ा भी नहीं है तो आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि नहीं, मुझे सिग्नल नहीं तोड़ना है, इस पर फाइन भी लग सकता है। तो क्या था, ये सिस्टम की वजह से आपके व्यवहार में चेंज आया, आपको रूल्स फॉलो करने का बिहेवियर अंदर आ गया। तो ये चीज़ें आ जाती हैं क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत। आई होप आप सभी लोगों को यूरी ब्रोफेन बर्नर्स की थ्योरी समझ आ गई होगी, इसको कितने लेवल्स में डिवाइड किया गया है ये भी समझ में आ गया होगा। और टीचर्स अड्डा की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारे पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जिनको आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे store.adda247 पर जाकर के, जिसमें सीटेट KVS सारे कोर्सेज हैं, ठीक है ना। और सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को थ्योरी समझ आई या नहीं, और सारे डाउट्स को भी कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और टीचर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू।